हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके अपने विषय के बारे में। जैसा कि आपने टाइटल देखा, आज मैं आपको उस विषय के बारे में बताऊंगा जो कि आपका अपना है। जी हाँ, मैं आपके धन की बात नहीं कर रहा, मैं आपके परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं आपके ऐशो आराम आपकी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ बात तो सिर्फ आपकी टेंशन की, आपकी चिंता की। नाम सुनते ही याद आ गया होगा, ओ माई गॉड, आपने तो दुखती रग पर हाथ रख दिया। जी हाँ, सही पकड़ा। आज मैं बात कर रहा हूँ आपकी चिंताओं की, आपकी टेंशन की, और साथ ही साथ अंत में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी टेंशन को दूर कर सकते हो, कैसे आप अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ घंटा दबाना ना भूलिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं। टेंशन, ओ माय गॉड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टेंशन है क्या और ये क्यों आती है। देखो, टेंशन तीन कारण मैंने बनाए हैं जिसकी वजह से टेंशन आ सकती है या जिसकी वजह से हम टेंशन में हो सकते हैं, हम चिंता कर सकते हैं। पहली चीज़ है हमारा फ्यूचर, दूसरा हमारा परिवार, और तीसरी हमारी सोच। तो सबसे पहले बात फ्यूचर की करते हैं। इंसान अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। वो सोचता है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसे उसके हिसाब से सब कुछ मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करता है, उसे वो सारी चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए जिसके वो योग्य है। और बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता, जितनी इंसान मेहनत करता है उसका प्रतिफल उसे उस वक्त उतना नहीं मिल पाता, तो इंसान टेंशन करने लगता है। दूसरी हमारी चिंता है परिवार। हम अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे हमारे हिसाब से चलें या फिर उनकी सोच हमारे जैसी हो। लेकिन बहुत बार विचारों के कारण या फिर आपसी समझ के कारण एक इंसान की सोच दूसरे के साथ मैच नहीं कर पाती, या फिर परिवार के अन्य सदस्य उसके हिसाब से नहीं चल रहे, तो इंसान चिंता करने लगता है। और तीसरी चीज़ है हमारी अपनी ही सोच। इंसान अपनी सोच में इतना उलझा रहता है कि वो सोचता है कि यार, इस दुनिया में सब कुछ उसके हिसाब से ही क्यों नहीं हो रहा, वो जैसा सोच रहा है वैसा क्यों नहीं हो रहा। तो ये सोच सोच करके उसे टेंशन होने लगती है, वो चिंता करने लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा टेंशन है क्या। टेंशन विचारों का एक समूह है। जब इंसान किसी ऐसे विषय पर जो कि उसके विचार में या उसके दिमाग में नेगेटिव प्रतिक्रिया करने लगता है, तो इंसान चिंतित होने लगता है। जब कोई इंसान अपनी ही सोच के विपरीत सोचता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि इंसान सोच रहा है कि उसका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, और यदि एट प्रेजेंट वैसा नहीं है, तो इंसान चिंतित होने लगता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा टेंशन के बारे में, टेंशन विचारों का एक समूह है। इंसान अपने ही विचारों में जब उलझा रहता है तो उसे टेंशन होती है। तो अब मैं बात करूँगा हमारे अगले विषय के बारे में कि टेंशन कब आती है। आपने कभी सोचा है आखिर टेंशन आती कब है। मेरे हिसाब से टेंशन सिर्फ दो बार ही आ सकती है इंसान को, या तो फिर इंसान हद से ज़्यादा सोचता हो, या फिर अपने दिमाग के अंदर वो नेगेटिव प्रेशर डालता हो, तभी टेंशन आ सकती है। यदि कोई भी इंसान अपने फ्यूचर के बारे में, अपने परिवार के बारे में पॉजिटिव सोचे, तो उसे कभी भी टेंशन नहीं हो सकती। तो इसलिए टेंशन सिर्फ दो बार ही इंसान को हो सकती है, या तो इंसान हद से ज़्यादा सोच रहा हो और वो भी नेगेटिव, तो इंसान को टेंशन आती है। अब जब भी टेंशन आती है तो फल तो आपको भोगना पड़ेगा। आप कोई पेड़ लगा रहे हो तो फल तो उसके आप ही खाओगे। इसी प्रकार जब आप टेंशन बोते हो तो उसका प्रतिफल जो हमें मिलता है, मेरे हिसाब से जब इंसान को टेंशन आती है तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ें भी आ जाती है। जैसे पहली चीज़, इंसान अपने विचारों में उलझा रहता है। दूसरा, चिड़चिड़ापन आता है। तीसरा, अपनों से दूर होता है। चौथा, बहुत बार इंसान बीमार भी पड़ जाता है। और पांचवा और अंतिम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंसान कभी भी अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमेशा सोचता रहता है, पॉजिटिव रिजल्ट उसका कभी भी उसको प्राप्त नहीं होता। और अब अंत में मैं आपको बताऊंगा टेंशन को कैसे दूर करें। मैंने कुछ टिप्स बनाए हैं
जिनको हम अपने दैनिक जीवन में लाकर टेंशन को बाय बाय कह सकते हैं। पहला है पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में, अपने परिवार के बारे में पॉजिटिव सोचिए तो देखिए आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। दूसरी है प्रतिदिन एक्सरसाइज कीजिए। कहते हैं ना एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के साथ साथ हमारे विचार की जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है वो भी बदलती है, तो इसलिए प्रतिदिन एक्सरसाइज कीजिए, फिर देखिए आपको उसका क्या रिजल्ट मिलता है। तीसरा है मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना बहुत अच्छी चीज़ है। कहते हैं ना चाहे कितने हो गम मुस्कुराते रहो हरदम। मुस्कुराने से हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचारधारा आती है और हम हमेशा अच्छा सोचते हैं। और अंतिम है प्रार्थना करना। यदि आप अपने जीवन में उस परमपिता परमेश्वर की प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो आपको जीवन में जिंदगी जीने का एक नया रास्ता नजर आता है। आपकी सारी दुख तकलीफ, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सारी टेंशन, सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए भैया जिंदगी में प्रतिदिन परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना कीजिए। यदि हम उस परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो कभी भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन, कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं आती। तो इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए और इसलिए अपनी ज़िंदगी में प्रतिदिन प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। धन्यवाद।